ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अटल बिहारी वाजपेयी की अनसुनी कहानियां पंडित श्यामलाल जी ने अपने पुत्र कृष्ण बिहारी का विवाह इटावा की सुमा देवी नामक कन्या के साथ किया। इनके बच्चों ने आगे चलकर उन्हें कृष्णा नाम दे दिया और वही नाम प्रचलित हो गया। वे क्षेत्र के आदर्श व्यक्ति माने जाते थे। उनके जीवनचर्या नियमित थी। वह फुर्सत पाकर आसनी पर बैठकर पूजा करते थे। उनके पास रुद्राक्ष और तुलसी की कई मालाएं थी। माला का जाप उनकी पूजा का विशेष अंग था। वह ठंडाई के प्रेमी थे, इसलिए दिन भर के लिए ठंडाई घोटकर पान की बगुची में रख लिया करते थे। उनके स्वभाव से परिचित लोग उनसे अपनी बात संक्षेप में बताकर उत्तर पाकर चले जाते थे। वह गप्पे लड़ाने के लिए किसी को समय नहीं देते थे। वे शिष्टाचार के कायल थे। पंडित जी दूसरों की बुराई करने वालों को कभी प्रोत्साहन नहीं देते थे। जब कोई उनसे किसी की निंदा करता तो अपनी पोथी खोलकर पढ़ने लग जाते थे। बेचारा बुराई करने वाला अपने आप ही लज्जित होकर अपना मुंह बंद कर लेता था। अटल जी के बाबा का पुस्तकों का अपना निजी संग्रह था, निजी लाइब्रेरी थी, जिसमें साहित्य, व्याकरण और कर्मकांड की अनेकों पुस्तकें थी। हिंदी के प्राचीन और मध्यकालीन कवियों की कृतियां भी थी। अटल जी जब भी ग्वालियर से गांव जाते तो इन्हीं पुस्तकों में खो जाते थे। बाबा को देखकर यह बहुत प्रसन्नता होती कि उनका पोता जिज्ञासु और अध्ययन प्रेमी। यह बालक अटल को श्लोकों का शुद्ध उच्चारण भी सिखाते थे। एक बार बटेश्वर से 2 कोस की दूरी पर बसे होलीपुर में एक चौबे परिवार में उपनयन संस्कार था। काशी और प्रयाग से आचार्य आए। बटेश्वर से पंडित श्यामलाल जी को भी निमंत्रण दिया गया। तीनों आचार्य उपनयन संस्कार मंत्रोचार्य के साथ करा रहे थे। उसमें एक मंत्र ऐसा था जिसका उच्चारण धीरे से करना चाहिए था, जिससे उसके स्वर वेदी पर बैठे बालक के कानों में न पड़े। प्रयाग के पंडित ने यह विशेष मंत्र भी उच्च स्वर में पढ़ दिया। बाबा ने प्रतिवाद किया तथा अपने कथन की सत्यता के प्रमाण के लिए और ठीक दोपहर को मई की तपती धूप में टट्टू पर बैठकर अपने घर बटेश्वर आए और पोथी लेकर तुरंत लौट गए और दोनों आचार्यों के सम्मुख पोथी को खोलकर रख दिया। अब तो प्रत्यक्ष की प्रणाम प्रयाग के पंडितों ने बाबा की विद्वता के सामने अपना सिर झुका दिया। वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों पर बाबा के आचार्यत्व का धाक जम गया। पंडित श्यामलाल जी तुलसी कृत रामायण और बिहारी सत्संग का भी काफी अध्ययन करते थे। अपने पोते पोतियों को भी इन ग्रंथों के अध्ययन की प्रेरणा देते थे। ग्रीष्म अवकाश में जब सभी बच्चे ग्वालियर से बटेश्वर आते तो बाबा इन लोगों को रामायण पढ़ने में जुटा देते थे। प्रतिस्पर्धा में सब भाग लेते, कभी कभी मौखिक परीक्षा भी ले लेते थे। एक बार अटल जी के बड़े भाई प्रेम बिहारी से उन्होंने पूछा, रामायण पढ़ ली? वो बोले हाँ। बाबा बोले, अच्छा बताओ बालक,
बालक ब्रह्म ही न ब्रह्म ही गुहादी कहित परस्पर मिथ्यवादी। ये कब किसने और किससे कहा? उस समय प्रेम बिहारी जी कक्षा 3 में पढ़ते थे और वो ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाए। तब बाबा ने उन्हें समझाया। वे अपने छोटे पोते अटल से सस्वर चौपाइयां सुनते थे, कहीं पर उच्चारण दोष होने पर समझाते थे और अभ्यास भी कराते थे। बाबा जी कभी कभी अपने पुत्र कृष्ण बिहारी से भी रामायण के प्रसंग पूछ बैठते थे। एक बार तो कृष्ण बिहारी जी ने कहा कि कक्का, इन बच्चों के सामने तो मेरी भद न किया करो। बाबा जी को हिंदी के अनेक कवियों के दोहे याद थे, लोगों को दोहे सुनाया करते थे। उन्हें एक दोहा बहुत पसंद था, नवल नारी रोवत नहीं कहत पुकारी पुकारी, जस प्रिय तुम हम सन करी हम हु करत तुम्हारी। नई दुल्हन मायके से विदा होते समय रोती नहीं है, अपितु चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि हे प्राणपति, आपने जैसा मेरे साथ किया है वैसा ही मैं आपके साथ भी करूंगी, अर्थात जैसे आपने मुझे अपने माता पिता से विलग किया है वैसे मैं भी आपको आपके माता पिता से विलग करूंगी। यह दोहा अटल जी ने कई बार सुनाया। उनके अवचेतन में भी इस दोहे के भाव से अपना स्थान अवश्य जमा लिया होगा। बचपन से ही माता पिता के भक्त रहे, कदाचित इसी भय से उन्होंने विवाह नहीं किया और कहीं माता पिता को भक्ति से विरक्त ना होना पड़े, इसलिए शायद उन्होंने विवाह नहीं। वाह रे दोहे, अच्छा कमाल किया। उनके रामायण प्रेम की एक घटना तो ग्वालियर के कई सज्जनों ने सुनाई है। ग्वालियर से वापस गांव जा रहे थे, रेलगाड़ी के आने में कुछ समय था। उन्होंने प्लेटफार्म पर भी अपना आसन बिछा लिया और रामायण पढ़ने में तल्लीन हो गए। गाड़ी स्टेशन पर आ गई। उनके पोते प्रेम बिहारी अटल जी के बड़े भाई ने कहा, बाबा उठो, गाड़ी आ गई है। उन्होंने कहा, अरे ये प्रसंग बहुत ही सुंदर है, बीच में नहीं छोड़ूंगा, इस गाड़ी को जाने दो, दूसरी से चले जाएंगे। गाड़ी छोड़ दी पर रामायण का सुंदर प्रसंग नहीं छोड़ा। पंडित श्यामलाल जी एक बार अपने पुत्र कृष्ण बिहारी को लिवाने के लिए इटावा गए। वहां वह मिडिल की परीक्षा देने गए थे। लौटते समय में पैदल ही शिकोहाबाद आ गए। वहां से बटेश्वर कोई 17 या 18 किलोमीटर की दूरी पर था। इक्के वाले चिल्ला रहे थे, बटेश्वर घाट, बटेश्वर घाट। पंडित जी ने किराया पूछा। इक्के वाले बोले, 10 पैसे सवारी। उन्होंने 8 पैसे सवारी से चलने को कहा। इक्के वालों ने मना कर दिया। पिता पुत्र पैदल ही चल पड़े। बटेश्वर घाट पहुंचकर पंडित जी ने खान पान किया और रामायण पढ़ने लगे। पंडित श्यामलाल जी जब ग्वालियर से बटेश्वर की चलने लगते थे तो बड़ों को 1 रुपया देते थे और छोटों को 8। अटल जी को वो 8 भी मिलती थी। एक बार इसको लेकर भी बाबा से भिड़ गए। अटल जी ने कहा, मुझे 8 क्यों देते हैं? आप बड़े भैया को तो 1 रुपया देते हैं। बाबा बोले, तुम छोटे हो, 8 रुपए से छोटी होती है, इसलिए तुम्हें 8 देता हूं। एक बार ग्वालियर के शिंदे की छावनी वाले मकान में
बाबा बैठक में रामायण बांच रहे थे, अचानक अंदर से पोते अटल की रोने की आवाज आ गई। बाबा अंदर पहुंच गए, उन्हें देखकर अटल जोर जोर से रोने लगे। बाबा ने पूछा, क्यों रो रहे हो? अटल ने कहा, मुझे पीटा भी है और कहते हैं कि रोना मत। बाबा ने कहा, ये बच्चे को पीटा है और कहते हैं रोना मत। अरे मारा पीटा है तो रोने का अधिकार तो है और होना भी चाहिए कि नहीं? बाबा का ये कथन, ये वाक्य तभी से अटल जी के मस्तिष्क में बैठ गया और वे अक्सर कहा करते थे, रोने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। बटेश्वर में ही पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में गिरफ्तार हुए थे अटल जी। सन 1942 में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो ग्वालियर भी अगस्त क्रांति की लपेट में आ गया। छात्र वर्ग की अगुवाई किशोर अटल कर रहे थे। जब आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया और धड़ पकड़ शुरू हो गई तो शहर के कोतवाल ने उनके पिताजी को बताया कि आपके चिरंजीव कारागार जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब पिताजी ने उन्हें बड़े भाई प्रेम बिहारी वाजपेयी के साथ बटेश्वर भेज दी। वहां भी क्रांति की आग धधक रही थी। प्रेम बिहारी जी उन पर बराबर निगाह रखते थे और वो उन्हें धत्ता बताकर नारे लगाने और भाषण देने पहुंच जाते थे। एक दिन पुलिस की लपेट में आ गए और आगरा की जेल में बच्चा बैरेक में 24 दिन बंद रहे। नाबालिग होने के कारण छोड़ दिए गए। अटल जी को बटेश्वर बहुत पसंद था। अटल जी के परिवार में जब भी कोई मुंडन होता तो पूरा परिवार बटेश्वर आ जाता था। अटल जी उसमें हमेशा आते थे। वो बटेश्वर जाने के लिए तरसते रहते थे। ग्वालियर की शिंदे की छावनी में कमल सिंह के बाग में पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी का निजी आवास था। चौड़ी सड़क के चौराहे के मोड़ पर बाएं दाएं मुड़ते हुए अगर कोई चला जाए तो वहां पहुंच जाएगा जहां अटल जी पैदा हुए थे। कार, टांगा आदि सभी वाहन वहां तक पहुंच जाते। पंडित कृष्ण बिहारी जी ग्वालियर के गोरखी विद्यालय में अध्यापक, प्रधान अध्यापक और प्रिंसिपल रहे और आगे चलकर जिला विद्यालय निरीक्षक के सम्मानित पद पर पदोन्नत भी हुए। ऐसे थे अटल जी। आपने देखा अटल जी की अनसुनी कहानियां। अटल जी आप दुनिया में जहां भी, संसार में, स्वर्ग में जहां भी होंगे, हम आपको भूल नहीं पाएंगे। मैं आखिरी एक अपना पर्सनल एनेक्डोट के साथ खत्म करना चाहूंगा। अटल जी से एक बार मेरी मुलाकात जो आखिर में हुई, उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट पे दावत दी और मैं मेरे मित्र डॉक्टर वेद प्रताप वेदिक के साथ उनके पास खाने पे गया। उन्होंने मेरे से कहा, डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि आप मालवा मित्र मंडल और मध्य प्रदेश फाउंडेशन के दिल्ली में कार्यक्रम करते हैं और उसमें दाल बाफले खिलाती। मैंने कहा, जी। कहने लगे, हमसे आपको क्या नाराजगी, आप हमें क्यों नहीं बुलाते? मैंने कहा, वाजपेयी जी, आप इतने बड़े आदमी हैं कि हम आपको बुलाने जाते हैं तो उसके बाद हमें समस्याएं हो जाती, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सबकी चेकिंग्स होती हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा झिझकते हैं और आप इतने बड़े आदमी आकर हमारे छोटे से कार्यक्रम में कहाँ आएंगे? कहने लगे, नहीं,
आप मुझे अगली बार अगर नहीं बुलाएंगे तो एक काम करिएगा, आप मुझे दाल बाफले टिफन में भरकर भेज दीजिए। ऐसे थे अटल जी। मैंने अटल जी से कहा कि हमें ये पता है कि आप जावरा के पास एक गांव बड़नगर में बड़े हुए, जहां पे कवि प्रदीप आपके मित्र थे और आपके पिताजी वहां पे हेडमास्टर थे। बड़े खुश हुए। आखिरी बात जो मैंने अटल जी को कही, मैंने कहा अटल जी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि भारत के इतिहास में आप दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को रोड से जोड़ने की कोशिश की। पहला जो राजा था वो शेरशाह सूरी था और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। ये थे अटल जी। कैसा लगा आपको कार्यक्रम, हमें जरूर बताएं। नमस्कार।